तो आज हम सीखेंगे कि स्लैब का ये जो एक स्लैब है यानी कि छत, घर का जो छत आरसीसी होता है उसमें कितना सीमेंट, बैग सीमेंट, कितना बैग हमारा, कितना सेफ्टी जो सैंड है और सैंड रहता है यानी कि रेत, और कितना एग्रीगेट यानी कि पत्थर रहेगा, वो आज हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपको जो भी एक आरसीसी का स्लाब दिया गया होगा उसमें कितना क्वांटिटी का क्या क्या लगेगा वो कैसे जानेंगे हम आज, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो स्लाब है इसका लेंथ है हमारा 4 मीटर, और उसका ये जो ब्रेथ यानी कि लॉन्गर स्पैन उसका 4 मीटर और शटर स्पैन उसका 3 मीटर है, यानी कि ब्रेथ उसका 3 मीटर, और उसका हाइट कितना है यानी कि जो हम स्लैब का ढलाई करेंगे, बस स्लैब कास्टिंग करेंगे उस वो कितना मोटाई होगा, तो वो हमारा यहाँ पे दिया गया है 5 इंची मोटाई व थिकनेस, जो भी बोलिए हाइट व थिकनेस 5 इंची का होगा, यानी कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.125 मीटर होगा। तो इसमें कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा सब कुछ जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लाब है यानी कि आरसीसी स्लाब व छत है इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहां पे लेंथ हमारा कितना है 4 मीटर, तो हम लिखेंगे 4 मीटर इंटू ब्रेथ हमारा कितना है 3 मीटर, तो हम लिखेंगे 3 मीटर, और हाइट व थिकनेस जो यानी कि थिकनेस जितना मोटाई होगा छत हमारा जितना ढलाई जाएगा तो वो कितना होगा हमारा, यहाँ पे उस 5 इंची था उसको मीटर पे कन्वर्ट करके 0.125 किया तो यहाँ पे हम 0.125 लिखेंगे, क्योंकि ये जो हम वॉल्यूम निकालेंगे चारों यूनिट सेम होना, सॉरी तीनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 1.5 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या करेंगे इसमें हम, और एक बात मैंने बोलना भूल गया कि ये जो हमारा छत का ढलाई होगा यानी कि जो कास्टिंग होगा ये स्लैब, तो वो M20 ग्रेड दिया गया है, M20 ग्रेड में क्या होता है 1:1.5:3, तो ये क्या है 1:1.5:3, तो M20 जो ग्रेड रहता है कंक्रीट का, तो उसमें क्या होता है ये है हमारा सीमेंट का घर और ये है सैंड का और ये एग्रीगेट का, यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट। तो सीमेंट हमारा रहता है 1 बोरी, सैंड रहता है 1.5, यानी कि अगर 1 बोरी सीमेंट हम डालेंगे व 1 बैग सीमेंट हम डालेंगे तो उसमें हम मिक्स करेंगे कितना 1.5 बोरी व बैग सैंड व रेती और 3 बैग एग्रीगेट व जो हमारा वो छोटा छोटा जो गिट्टी रहता है वो हम यूज करते हैं। तो M20 ग्रेड में 1:1.5:3 रहता है। ये ग्रेड कितने टाइप का है क्या क्या है मैं आपको आगे
बताऊंगा और एक स्पेशल वीडियो करके, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेड है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आता है ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो कि हमारा 1.54, ये हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये कैसे हुआ और ये ड्राई डेंसिटी क्या है कंक्रीट का, ये आपको मैं अलग से वीडियो करके बताऊंगा। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमेशा 1.54 ही होता है। ये कैसे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है। हम सिर्फ निकालेंगे स्लैब में कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इनटू ड्राई डेंसिटी जो कि हमारा कितना है, वॉल्यूम हमारा कितना है, ये वॉल्यूम हमने निकाला था स्लैब का 1.5, और हमारा डेंसिटी कितना है, डेंसिटी हमने जाना कि ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होता है 1.54 जो कि हमेशा ही रहता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा हमारा 2.31 क्यूबिक मीटर। तो अभी हमारा क्यूबिक मीटर पे निकल गया वॉल्यूम के साथ ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्यूबिक मीटर निकला। अभी हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा ग्रेड है, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये तीनों को हम मिलाकर इसमें डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 1.5 प्लस 3, तो ये कुल मिला के हो गया हमारा 5.5। तो ये तीनों को हमने ऐड करके ये 5.5 निकाल दिया। तो अभी क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि कितना बैग सीमेंट इस स्लैब को कास्टिंग करने का या ढलाई करने के लिए कितना बैग सीमेंट चाहिए होगा। तो सीमेंट लिख दीजिए इक्वल टू, ये हमारा क्यूबिक मीटर पे आ गया, तो 2.31 लिख दिया हमने। अभी हमारा टोटल, अभी सीमेंट कहाँ पे है, यह हमारा सीमेंट का घर है कि नहीं, 1 यानी कि एक बोरी हमारा सीमेंट लगता है। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, लेकिन हमारा अभी तो हमको पता है क्या कितना लगेगा इसमें सीमेंट, नहीं पता। तो इसलिए हमने क्या किया था, ये तीनों को ऐड किया था। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो ये 5.5 निकला, ये तीनों इसी में ही मिला हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीमेंट को अगर अलग कर देते हैं बाकी दो से, तो हमारा सीमेंट कितना हुआ वो हमें पता चल जाएगा। तो 1 यानी कि सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल जो हमने रेशियो लिया था उसका टोटल, जो कि हमारा आएगा 0.42 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये जो आ गया हमारा क्यूबिक मीटर पे, और एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक 1 क्यूबिक मीटर पे हमारा 28 बैग सीमेंट रहता है। 1 क्यूबिक मीटर पे 28 बैग सीमेंट रहता है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा मास वाई डेंसिटी, डेंसिटी सीमेंट का
का डेंसिटी रहता है 1440, ठीक है, कंस्टेंट रहता है 1440। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, जो कि हमारा सीमेंट का डेंसिटी कितना है 1440 हम जानते हैं। तो ये 50/1440, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा हमारा 0.034, ये आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, वन क्यूबिक मीटर पे कितना लगेगा जानने के लिए क्या करेंगे, तो वन डिवाइडेड बाय 0.034 इक्वल टू 28.8 बैग सीमेंट। तो इस तरह से हमारा ये 28 बैग सीमेंट आता है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो ये 28.8 ना लेके हम अगर 28.6 लेंगे तो हमारा हमेशा राउंड फिगर आएगा। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आप 28.6 लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका सीमेंट बैग हमेशा राउंड फिगर पे आ जाएगा। लेकिन बेसिकली हमारा ये ओरिजिनल फॉर्मूला रहता है, लेकिन काम प्रैक्टिकली करते समय ये हम यूज करते हैं। और कोई करता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इसको यूज करता हूं तो इससे थोड़ा आपको आसान होगा, ठीक है। तो अभी हमने पता कर लिया कि 28 बैग लगता है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा क्यूबिक मीटर निकला था 0.42, इसके साथ हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था 28.6 अगर लेते हैं तो हमारा राउंड फिगर आएगा। तो ये जो हमारा, इसके साथ अगर 28.6 करते हैं तो हमारा ये 12 बैग सीमेंट आ गया, 12 बैग सीमेंट आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारा सीमेंट 12 बैग आ गया, अभी हम सैंड भी निकालेंगे। सैंड निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2.31 जो कि हमारा क्यूबिक मीटर निकला था ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वॉल्यूम को। तो अभी सैंड का रेशियो कितना है, 1.5 है हमारा सैंड का रेशियो। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 है कि नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.63 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा क्यूबिक मीटर पे आ गया, इससे हम सैंड कितना है कैसे मालूम करेंगे, देखिए। और एक की पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये की पॉइंट आप याद रखिएगा कि हम इतने सारे फॉर्मूला ना डाल के एक चीज देखेंगे, अगर एक बैग हमारा सीमेंट रहता है तो उसका कितना आ गया 0.42। अगर आप सीमेंट हमेशा एक ही बोरी दिया जाता है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी सीमेंट का क्यूबिक मीटर पे आएगा उसी के साथ 0.42 इंटू जो भी आपका सैंड का रेशियो होगा 1.5, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आएगा। हालांकि आपका वक्त थोड़ा कम जाएगा और आप बहुत जल्दी से ये आप बता सकते हो, या फिर कैलकुलेशन करके आप काम पे यूज कर सकते हो, इसलिए ये की पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे वही करिएगा। तो ये आ गया हमारा
क्यूबिक मीटर पे। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक बात आगे यहाँ पे आ जाता है, तो सैंड तो हम बोरी से नपते नहीं है, सैंड को मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या होता है, उसको क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ता है। हम ये जो क्यूबिक मीटर पे लिखा ले, ये तो हम बाजार से कैसे लाएंगे, बोरी से तो हम सैंड को मेजरमेंट नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीएफटी बा क्यूबिक फीट बा क्यूबिक मीटर पे निकालेंगे। तो वन क्यूबिक मीटर पे हमारा 35.314 सीएफटी होता है, ठीक है, क्यूबिक मीटर पे 35.314 सीएफटी होता है। तो इतना क्यूबिक मीटर हमना सैंड का निकला था, ये सैंड का निकाल रहे हैं हम, तो 0.63 इंटू 35.314 जो कि हमारा आएगा लगभग 22.24 सीएफटी। अगर आपका साइड पे सीएफटी पे मेजरमेंट होता है सैंड, तो आप सीएफटी पे लीजिए, नहीं तो इसको अगर आप मीटर क्यूब पे निकालना चाहते हैं, क्यूबिक मीटर पे निकालना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1 CFT इज इक्वल टू 0.028 क्यूबिक मीटर, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका सीएफटी पे दिया जाता है तो सीएफटी पे निकालिए, अगर आपका क्यूबिक मीटर पे निकालना है तो सीएफटी को क्यूबिक मीटर पे कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1 CFT अगर 0.028 क्यूबिक मीटर हुआ तो इतना सीएफटी कितना क्यूबिक मीटर होगा, 22.24 इंटू 0.028 जो कि आ गया, आ जाएगा हमारा 0.622 क्यूबिक मीटर, ठीक। अभी क्या होगा, सैंड तो आ गया, अभी हम निकालेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा वहां पे कितना आया था, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला दिया था हमने वॉल्यूम के साथ ड्राइव वॉल्यूम ऐड करके 2.31 क्यूबिक मीटर निकला था। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2.31 क्यूबिक मीटर इनटू हमारा एग्रीगेट कितना था, 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 लिखेंगे, टोटल रेशियो हमने मिला के कितना किया था, 5.5, तो डिवाइड करेंगे 5.5 से, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग कितना, 1.26 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा 1.26 क्यूबिक मीटर आ गया एग्रीगेट का, तो इसको वही फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.314 CFT। तो 1.26 क्यूबिक मीटर कितना CFT होगा, तो इसके साथ हम 35.314 मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा लगभग 44.49 CFT आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम मीटर क्यूबिक मीटर पे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि 1 क्यूबिक फीट बा CFT इज इक्वल टू 0.028 क्यूबिक मीटर है, तो 44.49 CFT मल्टीप्लाई बाय 0.028 जो कि हमारा आ जाएगा 1.24 क्यूबिक मीटर,
जो कि ये हमारा एग्रीगेट का निकल गया और ये हमारा सैंड का हो गया। अगर कुछ डाउट कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं जो कि आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और एक बात याद रखिए, हमारा रेशियो कितना था, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। तो सीमेंट का था 1, इसका था 1.5 और इसका था 3, ठीक नहीं? तो अभी देखिए आपका सीमेंट, सीमेंट तो 12 बैग निकल गया जो कि आपको जरूरत नहीं, आप बाजार से 12 बैग ऑर्डर करेंगे तो वो 12 बैग ही आपके पास आएगा। सैंड का कितना निकला आपका सीएफटी पे देखिए, सैंड का आपका निकला सीएफटी 22.24, यहाँ पे लिखिए 22.24, जो कि देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1.5, ये 1.5 का दुगना हुआ है 3, तो इसके साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44.8, जो कि आपका ये जो आपने निकाला था उसी के साथ सेम हो रहा है कि नहीं, यानी कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे ठीक है। और एक बात याद रखिए, ये तो हमने क्यूबिक मीटर और सीएफटी पे सैंड और एग्रीगेट को निकाला। अगर आपको दिया गया होगा कि बैग्स और आपका जो पैन रहता है यानी कि कढ़ाई जो रहता है उसमें निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे? देखिए आपका यहाँ पे हमारा सीमेंट लगा कितना, 12 बैग्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर बार अगर आपका 12 बैग सीमेंट लगता है तो हमारा रेशियो है 1:1.5:3। तो 1 के ये जो 12 बैग सीमेंट निकला इसका, इसको अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बैग को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 18 बैग हमारा सैंड यानी कि रेत लगेगा। और इसका ये हम बैग्स पे निकाल रहे हैं, ठीक है, बैग पे। और इसको अगर हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 54 आ गया आपका। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, 54 को अगर 18 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ये 18 को अगर 12 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। और ये 12 तो 12 का एक में ही है, ठीक है। तो रेशियो हमारा ऐसे बराबर होता है, इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो ये सिमिलरली रहता है। ये हमारा बैग पे निकल गया। अभी अगर आपका दिया गया होगा पैन पे यानी कि कढ़ाई पे, कैसे निकालेंगे, एक बैग सीमेंट पे आपका 4 पैन होता है तो 12×4 कितना होगा, 48 पैन। तो ये जो हमारा 18 आया है इसके साथ अगर हम 4 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा सैंड आएगा। और हमारा ये जो 54 आया है इसके अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 पैन अगर आ गया हमारा, ठीक है। तो आप डिफरेंट स्टाइल पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा एस्टिमेट देते हुए समय आप क्यूबिक मीटर या सीएफटी पे निकालना जरूरी है सैंड और एग्रीगेट को। तो मैं अगले वीडियो पे आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूंगा कि ये जो हमने ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 1.54 क्यों लिया
और ड्राई डेंसिटी क्या है, वो सब मैं अगले वीडियो पे आपको दिखा दूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।